नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बड़ी बैंकों में अभी तक हमने बड़ा एक्शन होते हुए देखा है रिजल्ट्स के दम पर। सबसे पहले एक्सिस बैंक, जिससे खराब नतीजों की उम्मीद थी लेकिन नंबर्स बड़े दमदार आए और मैंने आपके साथ शेयर भी करे थे, शेयर का प्राइस 6% ऊपर कूद गया खराब बाजार में। उसके बाद आपने HDFC बैंक के नतीजे देखे, इनलाइन टू पॉजिटिव थे, 1.5% ऊपर रहा, ज्यादा बड़ा मूव नहीं देता वो स्टॉक। फिर हम सभी ने नंबर्स देखे कोटक बैंक के, बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, 6% टूट गया। देन इंडसइंड बैंक के नंबर देखे, स्टॉक 20% इंट्राडे बेसिस पे फ्राइडे यानी कल ही क्रैक हुआ है। अब नंबर आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों ICICI बैंक के, प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक है, अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है स्टॉक। कैसे नंबर्स रहे हैं एक एक करके मैं आप सभी के साथ सारी की सारी चीजें शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंकों के लिए है उनकी एसेट क्वालिटी, उनके GNPA NNPA कंटिन्यू बेसिस पे जो बढ़ रहे हैं वो इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई इस पे RBI गवर्नर को काम करना चाहिए, बट एक्चुअली में ये चीजें इतनी जल्दी सामने नहीं आती हैं। RBI गवर्नर साहब, या फिर हम पहले ही देखें तो RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ऑलरेडी एक्शन ले चुकी है कि MSME पे जो ये लोन डिसबर्स कर रहे हैं कुछ रूल्स लगाए जा रहे हैं, रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं। RBI ऑलरेडी आपने देखा है गोल्ड लोन को, ये लोन टू वैल्यू रेशियो हमेशा क्रॉस करने लगी हैं आजकल गोल्ड लोन कंपनियां, क्योंकि सोने के दाम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए RBI कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा है, बट फिर भी चीजें कहां रुकती हैं इतनी जल्दी, बिजनेस करने वाला धंधा बनाता ही रहता है अपना। ICICI बैंक दोस्तों एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे खरी उतरी है, एकदम खरी बैंक है, मतलब सोना बहुत तंगड़ा वाला है, बेहतरीन बैंक है, बेहतरीन नंबर्स भी लग रहे हैं। मेरे को लगता है इन नंबर्स को मार्केट पॉजिटिवली ही लेगा, नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। बाकी इस समय मेरे पास एस्टिमेट्स नहीं है कि बाजार क्या प्रेडिक्शन ले रहा था, बट एसेट क्वालिटी तो मेरे को इंप्रूव होते हुए दिख रही है काफी अच्छे लेवल पे, जिसके दम पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्टॉक नेगेटिव तो नहीं जाना चाहिए। अब नंबर सुन लीजिए एक बार, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 10,300 करोड़ से बढ़कर 11,700 करोड़ पे आता हुआ दिखा है साल दर साल बेसिस पे। वहीं इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए, एक बैंक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्याज, 34,900 करोड़ के सामने 40,500 करोड़ की आय आते हुए दिखी है इंटरेस्ट की बात करें तो। एसेट क्वालिटी पे आऊं तो NNPA की बात करूं, 0.43% से घटकर 0.42% पे आए हैं, तो बेशक 1 basis point का ही प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन NNPA का सुधरना अपने आप में पॉजिटिव है। अब बात करूं अगर GNPA की, तो यहां काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है, 2.15% के सामने 1.97%, ऑलमोस्ट 18 बेसिस पॉइंट्स का जंप आया है आपके लिए, जंप इन मीन गिरावट हुई है तो वो बढ़त मानी जाएगी GNPA में। तो मेरे को लगता है बहुत ही दमदार बैंक है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भी दे रही है, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है ये, और नंबर्स मेरे को लगता है मार्केट इसके काफी पॉजिटिवली लेगा, बाजार को ये नंबर्स पसंद आएंगे। हर एक पैमाने पे बैंक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ कंपनी का जो आपका मैं स्टैंड अलोन बेसिस पे चेक करता हूँ एक बार। हाँ जी, बैंक का अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करें हम, तो प्रॉफिट जैसा कि मैंने बताया आपको 11,746 करोड़ पे आया है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है ये। GNPA जैसा कि मैंने आपको बताया काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं, बीते कुछ समय से 2% के ऊपर बने हुए थे, अभी 2% के नीचे आए हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव मानूंगा मैं। NNPA में भी सुधार है अगर देखा जाए, मतलब कोई दिक्कत दिखी नहीं थी। फाइनेंसिंग मार्जिन, फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देखे तो 8,313 करोड़ पे है। मेरे को लगता है एक्सिस बैंक चौतरफा बेहतरीन करते हुए दिखी है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं दिखी मुझे नंबर में ऊपर से नीचे तक। अब बाजार के एस्टिमेट अनुमान और ज्यादा हो तो वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं एस्टिमेट नहीं लेके बैठा हूं उस समय, बट ओवरऑल मेरे को इन नंबर्स के दम पर इतना समझ में आ रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू और बढ़नी चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, डेफिनेटली स्टॉक ऊपर आ सकता है। अनुमान मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, प्रीव्यू जो है वो नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड अंडर 11%। मैं एग्जैक्टली एक फिगर भी निकालने की कोशिश करता हूँ, विद इन रेंज ऑफ 10,930 टू 11,400, तो बीट करा है 11,437 करोड़ की टॉप, मतलब जो अनुमान था उसका 11,037 करोड़ का, 437 करोड़ जो है अनुमान का टॉप था उसको बीट करा है, 11,700 करोड़ का मुनाफा आया, तो मेरे को लगता है बढ़िया नंबर माने जाने चाहिए ये।
हर एक पैमाने से, तो मार्केट इसको पॉजिटिवली ही लेगा, तो मैं इसको थम्स अप दूंगा। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट ले चुका है स्टॉक अराउंड 1220 के आसपास, 1255 हो गया है, दोबारा लाइफ हाई की तरफ जाएगा ये 1300 रुपए तक के पोजीशन के लिए। आप इसमें खरीदारी करें, बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए और बाय ऑन डिप करते रहें। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी एक्सिस बैंक के क्वार्टरली नंबर्स पे। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।